नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ये जो सोशल मीडिया पे खुब्बापुर का प्रकरण चल रहा है, सभी लोग आज, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया आज उस मामले को लेकर शर्मसार है कि शिक्षक संस्था जहाँ प्यार मोहब्बत की बात सुनाई सिखाई जानी चाहिए थी, वहाँ आपस में बच्चों में नफरत पैदा की जा रही है। उस चीज़ को लेके सभी लोगों ने उसमें सहयोग दिया, सब काम किया। कल कुछ नेताओं ने, कुछ जिम्मेदार लोगों ने उसमें दोनों बच्चों को बुला के उनका प्यार मोहब्बत से गले मिलवाए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने गले मिलवाए। लेकिन वहाँ मैं इस चीज़ को बता दूँ कि बच्चों का आपस में कोई विवाद नहीं है, ना बच्चों की में आपस में कोई झगड़ा है। अगर उन लोगों को अपनी भूमिका निभानी थी जिम्मेदार होने की पंचायत की, तो उन्हें वो जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसको बुला के, और इस बच्चे के जो माँ बाप हैं जिनके दिल को ठेस पहुँची है, जिनको शर्मसार किया गया है और जिनके बच्चों की पिटाई की गई है, उस माँ बाप से, उस प्रिंसिपल को बुलवा के माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। तब कहीं मैं उसको, कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मानता। और दूसरी बात, हमारा हिंदुस्तान का संविधान कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की है। मैं प्रशासन और शासन से, आप लोगों के माध्यम से दोबारा इल्तिजा करूँगा कि इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है और ना उस बच्चे के परिवार के लोग कोई फैसला चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान गांव में और मुजफ्फरनगर ज़िले में अमन चैन प्यार मोहब्बत बना रहे, लेकिन उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी जो तहरीर दी है उसमें 153A और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसमें खाली उस बच्चे का है, उस परिवार का मामला नहीं रह गया। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, SC हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों, कोई भी हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इनकी सबकी आस्था को ठेस पहुँची है। इसमें मैंने ईमेल भी किया है कप्तान साहब को, पर्सनली जाके मैं FIR दे के भी आया हूँ, और मुझे उम्मीद है प्रशासन इसमें मुकदमा मेरा जो है उसे भी कायम करके उसमें मर्ज करेगी और इसमें कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। सबसे बड़ी बात, आज जो गांव में सब नेता सभी लोग जा रहे हैं, उस गांव में कोई स्कूल नहीं है, एक छोटा सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। मैं गांव वालों से वादा करके आया हूं और कह के आया हूं कि गांव वाले अगर ज़मीन उसमें गांव में उपलब्ध करवाएंगे तो मैं समाज के सब वर्ग को लेके, सभी लोगों से प्यार मोहब्बत से इल्तिजा करके, सभी लोगों के योगदान से उस गाँव में एक अच्छा स्कूल जिसमें सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से अमन चैन से पढ़ सकें, उसके लिए हम काम करेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज हम ये आपके द्वारा मैसेज ज़रूर देना चाह रहे हैं कि आज हम किसी धर्म मज़हब बिरादरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर कोई सोचे कि हम किसी बिरादरी के या मज़हब के या जाति के ख़िलाफ़ हैं, हम हरगिज़ भी किसी बिरादरी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम उस मानसिकता के ख़िलाफ़ हैं जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। चाहे वो, अगर ये काम किसी मुसलमान टीचर ने भी किया होता, उसके लिए भी मैं अपील करूँगा कि उसके खिलाफ भी मुकदमे कायम होने चाहिए। चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, कोई फैसला नहीं करवाया। आप किसी के घर पे जाके बैठेंगे, आप बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनको आपके सामने नहीं बोलेंगे। जो आपने बुलाया, दोनों बच्चों को बुलाया, गले मिलवा दिया, बच्चों का कोई झगड़ा नहीं था और बच्चों का ना कोई फैसला था। अगर उन्हें जिम्मेदार की भूमिका निभानी थी, और जो उन्होंने कभी निभाई नहीं है, अगर उन्हें निभानी थी तो उन्हें चाहिए था कि वो अपना जो है इसमें आपस में उनके परिवार जो टीचर थी उससे माफ़ी मंगवाते, इनके पेरेंट्स से। रही हैं हमारे पूर्व DGP विक्रम सिंह जी के भी, उन्होंने प्रेस की, उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता कितनी तकलीफ में हूँ और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो आप सोचिए, जो इतनी दूर बैठे हुए हैं उनके जब ये हालात हैं तो माँ बाप के क्या हालात रहे होंगे। और उस टीचर ने कहा कि मैं क्योंकि विकलांग हूँ इसलिए मैंने बच्चों से पिटवाया। चलो तुम विकलांग हो, बच्चा तो विकलांग नहीं था, उसे अपने पास में बुला के कान पकड़ लेती उसके। ये तुमने शरारत जानबूझकर की है और ये नाजायज काम किया, इसकी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त हो चढ़ा है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।